हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रभाव का रासायनिक प्रभाव। ठीक, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। योर एल्डर्स माइट हैव कॉशनड यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस विथ वेट हैंड्स, बट यू डू Do you know why it is dangerous to touch an electrical appliance with wet hands? आपके घर के जो बड़े हैं वो अक्सर ही आप क्या करते हैं कि मतलब सावधानी देते हैं कि भीगा हुआ हाथ से क्या नहीं करने का इलेक्ट्रिकल चीज़ों को, मतलब जो जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिक से चलता है उसको छूने के लिए नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि ये क्यों डेंजरस है कि अगर हम भीगा हाथ से अगर छुएंगे उसे तो क्यों डेंजरस है? वी हैव लर्नड अलर्ट दैट द मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम लोग ये सीखे हैं या फिर जाने हैं कि जिस मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। दूसरी तरफ से मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो मटेरियल क्या नहीं करता कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देता, उससे होके पास करने नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कक्षा छठी में हम लोग ये देखें कि हम लोगों ने बहुत सारे टेस्टर बनाया था, आपको जरूर याद होगा कि किसी भी मटेरियल में किसी भी मटेरियल वेदर ए मटेरियल पार्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, मतलब मैं किसी भी मटेरियल को देखने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प इन डिसाइडिंग, आप क्या रिकॉल कर सकते हैं कि कैसे हम लोग को टेस्टर मतलब निर्णय लेने में हम लोग को मदद करता था कि कौन सा किसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या किसमें नहीं? वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयरएज मेटल सच एज रबर प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों को ये मिला था कि मेटल्स जैसे कॉपर हो एल्यूमिनियम हो वो सब क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी, उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और एक तरह से क्या होता है जैसे रबर हो प्लास्टिक हो इससे होकर क्या नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। हाउएवर सो फार वी हैव यूज अवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स व्हिच आर इन सॉलिड स्टेट, हम लोगों ने क्या किया आगे जो हम लोगों ने टेस्टर से हम लोगों ने सिर्फ क्या किया कि सॉलिड मटेरियल को देखा कि सॉलिड मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या नहीं। बट व्हाट अबाउट लेकिन लिक्विड में क्या है, तरल में क्या है, डू लिक्विड्स अंडर कॉल्स आर इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड, मतलब लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कॉन्डक्ट करता है, लिक्विड में भी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे। डू लिक्विड्स कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, To test whether a liquid allow electricity current to pass through it or not, we can use the same tester. हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जो बनाए हुए थे टेस्टर इसी को ही हम लोग सेम टेस्टर को टेस्ट कर सकते हैं। However, replace the cell by battery. लेकिन सेल को हम लोग क्या कर देंगे, बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। Also before using the tester, हम लोग टेस्टर को यूज करने के पहले we should check whether it is working or not. मतलब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग का सेल काम नहीं कर रहा, अगर हम लोग का मतलब बल्ब फ्यूज है, तो हम लोग बाद में हम लोग लिक्विड को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। लिक्विड हो सकता है कि लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है लेकिन बल्ब फ्यूज होने के कारण बल्ब या फिर अगर वायरों में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर सेल कमज़ोर हो तब भी तो हो सकता है। इसलिए पहले हम लोग क्या कर देंगे कि इसमें टेस्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस सब कुछ टेस्ट चेक कर लेंगे। एक्टिविटी 4.1 वाला देखते हैं। ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट, हम लोग क्या करते हैं कि टेस्टर का जो एंड है फ्री एंड है उसको कुछ क्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्षण के लिए क्या करते हैं उसको ज्वाइन करते हैं। दिस कंप्लीट्स द सर्क्यूट ऑफ द टेस्टर, ये क्या करेगा कि टेस्टर का सर्क्यूट को कंप्लीट करेगा। एंड द बल्ब शुड ग्लो, और जब टेस्टर का सर्क्यूट जब कंप्लीट होगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। However, if the bulb does not glow, लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा it means that the tester is not working, इसका मतलब होगा कि टेस्टर क्या नहीं करेगा,
इसका मतलब है कि टेस्टर काम नहीं करेगा. कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन? आप क्या इसका संभव मतलब रीजन बता सकते हैं, क्या हो सकता है, क्यों काम नहीं कर रहा है? इट इज पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज. ये हो सकता है कि ये संभव हो सकता है कि कनेक्शंस लूज हो, ढीला डाला हो, या फिर बल्ब फ्यूज हो, और ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, या फिर सभी कनेक्शंस टाइट हो. इफ दे आर, अगर ये है, देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब. तब जाके बल्ब को और एक बल्ब से रिप्लेस कर दीजिए अगर बल्ब फ्यूज हो. देन अनदर बल्ब. नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग. उसके बाद देखिए कि अब देखिए कि टेस्टर अभी काम कर रहा है या नहीं. इट इज इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विथ फ्रेश. अगर वो फिर भी काम नहीं करता है तो फ्रेश सेल से ऑल्ड सेल को रिप्लेस कर दीजिए. ये हुआ 14.1 का एक्टिविटी. नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, अभी हम लोगों का टेस्टर काम कर रहा है. नाउ लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स. अभी क्या करेंगे, इस टेस्टर को हम लोग बहुत सारा लिक्विड को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे. यहाँ पे एक सावधानी तो दिया हुआ है कि हम लोग जो टेस्टर यूज करें लिक्विड में, व्हाइल चेकिंग योर टेस्टर, जब आप टेस्ट लिक्विड टेस्टर को चेक कर रहे हैं, डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर देन ए फ्यू सेकेंड. मतलब फ्यू सेकेंड्स के ज़्यादा क्या नहीं करें कि आप उसको यूज नहीं करें, मतलब ज्वाइन करके नहीं रखें. उस अगर रखेंगे तो क्या होगा कि सेल्स जो क्या होगा बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाएगा. एक्टिविटी 14.2 में क्या बताया देखते हैं, या क्या है. कलेक्ट ए फ्यू प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स. कुछ क्या करते हैं कि स्मॉल प्लास्टिक या फिर रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स का, इस सब कलेक्ट करते हैं और उसको क्लीन करते हैं अच्छा से. पावर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और उसमें क्या डालेंगे कि 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस या फिर विनेगर. विनेगर क्या है हम लोग पढ़ें, विनेगर क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, और उसमें कुछ और भी ट्रेस कंपाउंड्स रहता है जो फ्लेवर ऐड करता है. अच्छा, ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप. अभी क्या करेंगे हम इस टेस्टर को हम लोग उस कैप के ऊपर लाएंगे एंड और उस टेस्टर का जो एंड है उसको हम लोग लेमन जूस और विनेगर में मतलब डीप करेंगे, डीप मतलब डुबवाएंगे. फिगर 14.2 में, 14.2 के जैसा. टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट. ये सब हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे एंड्स जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी में वो नहीं हो. बट एट द सेम टाइम उसी क्षण में डू नॉट टच ईच अदर. हम लोग क्या करेंगे कि एक उसी क्षण में जैसे कि एक दूसरे को टच भी नहीं करे. डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो. अभी क्या टेस्टर का बल्ब ग्लो कर रहा है. डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब लेमन जूस और विनेगर क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर ए गुड कंडक्टर है. मतलब आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि लेमन जूस या विनेगर एक गुड कंडक्टर है या पोअर कंडक्टर है. ये रहा कि 14.2 जैसे हम जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट कर रहा है लेमन जूस और विनेगर में. व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर. जब क्या होगा कि दो एंड ऑफ टेस्टर का दो एंड में जब लिक्विड मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा, अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में, द करंट फ्लोज इन दिस सर्क्यूट एंड द बल्ब ग्लोस. करंट क्या करेगा सर्क्यूट में फ्लो करेगा और बल्ब इस जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा. व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक, जब लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेगा उससे पास होने में, तब टेस्टर इज सर्क्यूट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट. टेस्टर का जो सर्क्यूट है वो कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो भी नहीं करेगा. इन सम सिचुएशन एवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग. कुछ क्षेत्र में कुछ अवस्थाओं में एवन अगर लिक्विड अगर कंडक्टिंग नहीं भी करे, मतलब लिक्विड से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं हो, द बल्ब मे नॉट ग्लो. बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2. व्हाट कैन बी द रीजन. अगर ऐसा हो अगर 14.2 में तो रीजन क्या हो सकता है. डू यू रिमेंबर why the bulb glows when the electric current passes. मतलब आप क्या रिमेंबर कर सकते हैं, आप क्या आपको क्या यह ख्याल है कि क्यों बल्ब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है. आप जरूर पढ़े होंगे कक्षा 7वीं में आप पढ़े होंगे इसका. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. करंट का हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या करता है कि बल्ब ग्लो होता है. 7वीं में पढ़े होंगे.
क्लास सेवन में द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लास हीटेड टू हाई टेम्परेचर। बल्ब में जो फिलामेंट रहता है वो क्या होता है कि इतना हाईएस्ट टेम्परेचर में क्या हाई टेम्परेचर में वो क्या करता है हीट हो जाता है और उसके बाद वो ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखे होंगे कि ब्लैकस्मिथ का जहाँ पे कारखाने होते हैं, जहाँ पे वो आयरन से आयरन का जो मतलब टूल्स बनाते हैं, उस वहाँ पे क्या करते हैं कि आयरन को क्या करते हैं कि उन लोग हीट करते हैं। तो हीट करते करते ऐसा एक टेम्परेचर में वो चला जाता है, उसके बाद देखते हैं कि वो वाला जो आयरन है वो मतलब रेड कलर का हो जाता है, अपने आप में ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके देखो इतना टेम्परेचर में वो हीट हो जाता है और वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। हाँ, लेकिन इफ द करेंट थ्रू सर्किट इज टू, अगर सर्किट में अगर करेंट बहुत सारा वीक होगा, बहुत सारा कम सप्लाई होगा करेंट का, द फिलामेंट इतना हीट नहीं होगा, और फिलामेंट इतना हीट नहीं होगा तो बल्ब कहां से ग्लो करेगा। तो फिलामेंट को भी अगर हीट होना हो तो सफिशियंट उसका उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए। एंड व्हाई इज द करेंट इन द सर्किट, और इसीलिए सर्किट में एंड व्हाई इज द करेंट इन द सर्किट, और अब क्यों सर्किट में करंट वीक होता है। अच्छा, दो ही मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही रहा है, इट मे नॉट कंडक्ट इज इजीली एज मेटल, मतलब ये क्या नहीं है, मेटल के जैसे इजीली कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एज ए रिजल्ट उसके परिणति में क्या होता है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी कंप्लीट, टेस्टर का सर्किट तो कंप्लीट हो सकता है, एंड येट द करंट दो इट में टू वीक, तो मतलब उससे करंट जो है उससे बहुत वीक होगा, मतलब बल्ब को ग्लो करने के लिए। कैन वी मेक अनदर टेस्टर, हम लोग क्या और एक टेस्टर बना सकते हैं जो क्या कर सकता है कि वीक करंट को डिटेक्ट कर सकता है। यू मे यूज एन एलईडी, आप एलईडी यूज करते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट्स एमिटिंग डायोड इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्स इन द टेस्टर ऑफ फिगर टू। फिगर 14.2 में जो हम लोग टेस्ट किए थे, टेस्टर से टेस्ट किए थे, इसके जगह में एलईडी ग्लोज व्हेन ए वीक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब एक वीक करंट भी फ्लो होगा तब भी इलेक्ट्रिक मतलब एलईडी ग्लो करेगा। अगर वहां पे अगर जनरल बल्ब अगर यू मतलब ग्लो कर भी नहीं रहा है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि उसमें क्या सच में करंट पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है, तो हम लोग एलईडी यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि एलईडी अगर बहुत सारा वीक करंट में भी क्या करता है कि एलईडी ग्लो करता है। There are two wires. LED में दो wires रहता है जिसको हम लोग lead बोलते हैं, attached to LED में attached रहता है। One is slightly longer than other. एक दूसरे से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। Remember देख, ख्याल रखिएगा, while connecting to a circuit, जब हम लोग circuit में इसको क्या करेंगे, LED को जब हम लोग connect करेंगे, longer lead is always connected to the, longer lead को क्या करते हैं, हमेशा हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और शॉर्टर लीड को हम लोग हर बार नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ेंगे बैटरी का। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर करंट, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रिक करंट का और एक इफेक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं कि अनदर काइंड ऑफ टेस्टर बनाने के लिए। आप क्या रिकॉल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसर मैग्नेटिक इफेक्ट, यह भी मैग्नेटिक इफेक्ट वाला भी हम लोगों ने सीखा था। What happens to a compass needle kept nearby when current flows in it? एक वायर में जब current flows करेगा तो एक compass needle का होता क्या है? Even if the current is small, अगर current small रहता भी है, the deflection of the magnetic needle का जो क्या होता है कि deflection, उसको उसमें हम लोग दिख सकते हैं, can be seen. Can we make tester using the magnetic effect of current? हम लोग क्या tester बना सकते हैं magnetic effect of current का, magnetic effect use करके? चलिए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 14.3 में क्या बताया गया। टेक ए ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, डिस्कार्डेड जो मैच बॉक्स होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रे ले लेते हैं। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे, मतलब उसमें क्या करते हैं कि अराउंड द ट्रे, ट्रे का चारों तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को मोड़ते हैं। प्लेस ए स्मॉल कॉम्पास इंडियल इन चार्ज, उसके अंदर में एक स्मॉल छोटा सा कॉम्पास इंडियल रखते हैं। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर, अभी क्या करते हैं कि वायर का एक फ्री एंड को और एक वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू टर्मिनल, एक बैटरी का एक टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। लीव द अदर वायर एंड फ्री, और एक एंड को हम लोग फ्री में रख देते हैं।
टेक अनदर पीच ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल वायर, और एक पीच ऑफ वायर लेते हैं और उसे कनेक्ट करते हैं और एक टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, यही बन गया। जैसे अभी जो हम लोग कॉम्पास एंड ड्रिल के जो बना रहे हैं ऐसे ही टेस्टर बनाएंगे। ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर, अभी क्या करेंगे कि दोनों वायर का फ्री एंड को हम लोग ज्वाइन करेंगे मोमेंटरीली। द कॉम्पास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन, कॉम्पास नीडल को डिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी, अभी तो आपका जो टेस्टर है जो दो फ्री एंड्स है वो वायर का दो फ्री एंड्स है वो रेडी है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 4.14.2 में जो देखे थे हम लोग उसको रिपीट करते हैं यूजिंग दिस उसी टेस्टर को यूज करके। डू यू फाइंड डिफ्लेक्शन इन द कॉम्पास नीडल, द मोमेंटम यू डिप योर फ्री एंड्स टू द टेस्टर इन द लेमन जूस का, लेमन जूस में जब आप डिप करेंगे फ्री एंड ऑफ द टेस्टर को तब क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है। टेक आउट द लीड एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, से निकालिए अब इसमें वाटर में डालिए, देन डिप देम इन वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई, और उसके बाद की कीजिए उसमें ड्राई में डालिए। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड, और भी लिक्विड से टेस्ट कीजिए, टैप वाटर से कीजिए, वेजिटेबल ऑयल से कीजिए, मिल्क से कीजिए, हनी से कीजिए। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल, मतलब सभी केस में देखिए कि मैग्नेटिक नीडल जो क्या वो काँप रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए आपको ये मिलेगा कि लेमन जूस में कॉम्पास नीडल डिफ्लेक्ट होगा, विनेगर में होगा, टैप वाटर में होगा, वेजिटेबल ऑयल में नहीं होगा, मिल्क में होगा, हनी में नहीं होगा। सो लेमन जूस इज गुड कंडक्टर, विनेगर इज गुड कंडक्टर, टैप वाटर इज गुड कंडक्टर, वेजिटेबल ऑयल इज पोर कंडक्टर, मिल्क इज गुड कंडक्टर, हनी इज पोर कंडक्टर। फ्रॉम टेबल 4.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ हम लोग को ये मिला कि कुछ लिक्विड्स क्या है कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ लिक्विड पोर कंडक्टर है। एक्चुअली असलियत में अंडर सर्टेन कंडीशन कुछ कुछ कंडीशन में मोस्ट मेटेरियल्स कैन कंडक्ट, ज्यादातर मेटेरियल्स क्या करते हैं कॉन्डक्ट करते हैं, ठीक है। That is why इसीलिए it is preferable to classify materials as good conductors in poor, इसीलिए हम लोग को ये preferable है कि materials को हम लोग good conductor और bad conductor से classify करेंगे instead of classifying conductors in insulator। हम लोग इसके बदले में जैसे हम लोग क्या करते हैं कि insulator और conductor के बदले में हम लोग क्या करेंगे कि material को conductor गुड कंडक्टर और पोर कंडक्टर से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन टैप वाटर से टेस्ट करेंगे। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्टिल्ड वाटर, अभी हम लोग अच्छा हम लोगों ने तो मतलब मतलब टैप वाटर से हम लोगों ने तो कर लिया है, अभी डिस्टिल्ड वाटर से करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, फर्मेंटेशन से जो बनता है। मतलब क्या होता है कि एक वाटर जब हम लोग मतलब वेपर बनाते हैं, हीट करने के बाद वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर को फिर से जब हम लोग कंडेंसेशन हो जाएगा फिर से वो जो वाटर आएगा वो मतलब क्या है उसमें वो बन जाता है डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर क्या है कि नॉर्मल वाटर जैसा, ऐसे जो बॉटल वाटर जैसा है वो टेस्ट इतना नहीं होता है क्योंकि वो डी आयोनाइज वाटर रहता है, बहुत सारे इसमें मिनरल नहीं होता है। वी हैव अच्छा अभी देखते हैं एक्टिविटी 4.14.24 में क्या है। टेक अबाउट 2 टीस्पून फॉल फॉर डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर के पेपर बॉटल, दो मतलब टीस्पूनफुल हम लोग डिस्टिल वाटर ले लेते हैं एक क्लीन और ड्राई प्लास्टिक रबर कैप ऑफ ए बॉटल ले लेते हैं। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन, हम लोग टेस्टर को यूज करेंगे कि डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है नहीं। व्हाट डू यू फाइंड, क्या आपको मिला, डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या डिस्टिल वाटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। नाउ डिजोल्व ए पीच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल, अभी पिंच ऑफ एक चिमटी, अभी अगर क्या करेंगे कि सॉल्ट अगर डालेंगे किसमें, अगर डिस्टिल वाटर में, और फिर से टेस्ट करते हैं क्या वो अभी क्या मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं।
व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, जब हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, हम लोगों को ये सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेस आर जस्ट, जो वाटर हम लोग सोर्सेस से मिलता है, जैसे टैप से मिलता है, वेल से मिलता है, रिवर से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वो प्योर नहीं है। इट मे कॉन्टेन सेवरल सॉल्ट डिजोल्व इन इट, इसमें ना बहुत सारा सॉल्ट डिजोल्व रहता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, थोड़ा सा मिनरल सॉल्ट उसमें मौजूद रहता है, नेचुरली प्रकृति से उसमें मौजूद रहता है, जो हम लोग ऐसे सोर्सेस से जो मिलता है। दिस वाटर इज दैट अ गुड कंडक्टर, इसीलिए क्या होता है कि ये वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट, डिस्टिल वाटर में क्या है कि सॉल्ट नहीं रहता है और इसीलिए वो पोर कंडक्टर रहता है, लेकिन डिस्टिल वाटर क्या है, एक प्योर वाटर रहता है। और ये सेफ है कि डिस्टिल वाटर पीना सेफ है। और ये जो नॉर्मल वाटर जो मिलता है, ये भी क्या है, इसमें जो मौजूद जो मतलब नेचुरली जो मौजूद रहता है उसमें जो मिनरल्स, वो हम लोगों का ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, वी हैव फाउंड दैट, अभी यहाँ पे छोटे से थोड़ा इसमें भी नॉलेज है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर बेनिफिशियल, ह्यूमन के हेल्थ के लिए जो मौजूद रहता है मिनरल प्रेजेंट, वो बहुत क्या होता है कि बेनिफिशियल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। हाउएवर दिस सॉल्ट्स मेक वाटर ए गुड कंडक्टर, यही सोर्स क्या करता है कि वाटर को एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल एप्लायंस विद वेट हैंड्स और व्हाइल स्टैंडिंग ऑन ए फ्लोर फ्लोर, इसीलिए हम लोग को क्या करना नहीं चाहिए कि भीगा हाथ से कभी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को हम लोग को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उस भीगा हाथ में जो भी पानी लगा है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, इसीलिए हम लोग को क्या करता है कि शॉक लगता है। And with wet hands और while standing on a wet floor, या फिर हम लोग कभी wet floor में अगर क्या करेंगे, खड़ा भी होंगे तो। We have found that common salt when dissolved in distilled water, हम लोग को ये मिला कि common salt जो मतलब distilled water में जो dissolve करते हैं, वो उसको उस जब हम लोग डिजोल्व करते हैं common salt को distilled water में, उसको एक good conductor बना देता है distilled water को। What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conductive? कौन सा और substances जो क्या करता है कि अगर हम लोग distilled water में dissolve कर देंगे उसको good conductor बना देता है? चलो हम लोग निकालते हैं। अभी next activity देखते हैं, activity 14.5 में क्या लिखा है। Take 3 clean plastics or rubber caps or bottles. 3 plastic, clean plastic or rubber caps ले लेते हैं bottle का। Pour about 2 teaspoons of distilled water in each of them. 2 teaspoonful क्या करते हैं, distilled water सभी में रखते हैं। Add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid. हम लोग क्या करते हैं, कुछ drops lemon juice का या dilute hydrochloric acid का distilled water में 1 cap में रखते हैं। Now in the second cap में contain जिसमें distilled water में है, distilled water है second cap में, few drops of base रख देते हैं, जैसे caustic soda, potassium iodide. Add a little sugar to the distilled water, third cap में little sugar add कर देते हैं और इसको dissolve करते हैं. Test which solution conduct electricity and which do not, what result will occur, मतलब कौन सा cap में electricity conduct होगा, कौन सा में नहीं, कौन सा result आपको मिला है. Most liquids that conduct electricity, ज़्यादातर liquid जो electricity conduct करता है वो किसका solution होता है, एसिड का सोल्यूशन होता है, बेजेस का सोल्यूशन होता है, सॉल्ट का सोल्यूशन होता है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिव सोल्यूशन, अगर जब भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक कंडक्टिव सोल्यूशन होके, वो एक होके डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन, वो क्या सोल्यूशन में कुछ इफेक्ट डालता है. अच्छा, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, अब जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन से जब क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो क्या उसमें कुछ सॉल्यूशन में कुछ इफेक्ट डालता है, और इसी से क्या एक जनरेट हो जाता है कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. इन क्लास 7 लिखा है कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं. In class 7, we have learned some effects of electric current. हम लोगों ने कुछ electric current का effects हम लोगों ने पढ़े हैं, सीखे हैं.
कैन यू रिलीज दिस इफेक्ट, आप क्या रिलीज इफेक्ट उस लीव कर सकते हैं? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन? क्या इफेक्ट होगा जब करंट का जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन से जब वो फ्लो करेगा, या क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? चलिए हम लोग निकालते हैं एक्टिविटी 11.6। अच्छा, दो कार्बन रोड को हम लोग निकालते हैं डिस्कार्डेड सेल से, दो डिस्कार्डेड सेल जो फेंका हुआ सेल होता है बैटरी का, रेडियो का बैटरी बताइए या फिर घड़ी का बैटरी बताइए, उससे हम लोग कार्बन रोड को केयरफुल निकालते हैं। उनका मेटल कैप को अच्छा से साफ करना है उस सैंड पेपर से, रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल, उसका जो मेटल कैप है उससे क्या करना है, कॉपर वायर को अच्छा से मोड़ना है एंड ज्वाइन देम टू द बैटरी, उसके बाद बैटरी से उसको जोड़ देना है फिगर के जैसा। उस जो दो रॉड होता है ना कार्बन रॉड, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, तली द्वार ये होता है। हम लोग क्या कहें, ये सब कार्बन रॉड है, ये सब मेटल कैप है जिसमें हम लोग कॉपर वायर मोड़े थे, ये कार्बन रॉड है, ये वाटर है। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि इससे हम लोग ये देखेंगे कि पासिंग करंट थ्रू वाटर, वाटर से जो क्या है कि करंट पास कर रहा है। पावर एक कप फुल ऑफ वाटर इन ए ग्लास और प्लास्टिक बॉल, उससे क्या बोला, एक ग्लास या बावल में वाटर कप फुल ऑफ वाटर पावर करना है, भरना है। एड ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट और ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, सॉल्ट टी स्पून फुल या फिर लेमन जूस को, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस को मतलब डाल देना है और ज़्यादा अच्छा से कंडक्टिंग बनाने के लिए। नाउ इमर्ज द इलेक्ट्रोड्स, अभी इसी को हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं कैसे करेंगे इस, मतलब अभी क्या करेंगे कि उस इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इमर्ज कर देंगे वाटर में। मेक श्योर देयर द मेटल कैप्स होता है, ऐसे हम लोग ये श्योर करना है कि मेटल कार्बन रोड का जो मेटल कैप्स है वो जैसे वाटर से बाहर हो। हम लोग 3 से 4 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स कैप्स, अच्छा से इलेक्ट्रोड्स को उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स के सामने आप क्या नोटिस कर रहे हैं कुछ भी गैस बबल्स? वी कैन यू कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन ए केमिकल चेंज, अभी जो मतलब सॉल्यूशन में जो कुछ बदलाव आया उसको हम लोग बोल सकते हैं केमिकल चेंज? अच्छा, केमिकल चेंज जो आप क्लास 7 में पढ़े हैं कि उसको आप याद कीजिए। केमिकल चेंज में क्या होता है कि नए चीज का प्रोड्यूस होता है, नई चीज का प्रोड्यूस होता है, कॉम्प्लीटली नए चीज का प्रोड्यूस होता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग ये देखे थे कि कार्ड्स, जैसे मिल्क से कार्ड प्रोड्यूस हो जाना एक कम्प्लीटली एनोदर सब्सटेंस हो जाता है, तो वो क्या होता है कि केमिकल चेंज आता है। जैसे फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसे एक ईटा को अगर तोड़ देंगे तो वो ईटा पूरा फुल ईटा वो डिवाइड हो जाएगा, फिर उसका सिर्फ फिजिकल में चेंज हुआ। लेकिन मिल्क से दही बन जाना पूरा केमिकल चेंज है, पूरा नया चीज बन जाना। अच्छा, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन से होके वही केमिकल रिएक्शंस का कारण होता है। केमिकल रिएक्शन इसीलिए होता है, इसी के रिजल्ट में बबल्स ऑफ ए गैस का बबल्स इलेक्ट्रोड्स के देखते हैं फॉर्म्ड होता है। डिपोजिट्स ऑफ मेटल में भी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है कि मेटल का डिपोजिट्स हम लोग देखते हैं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कलर का चेंजेस होता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज, रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि विक्रिया इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है और इलेक्ट्रोड्स कौन सा यूज हुआ है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ, यही क्या होता है कि केमिकल इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट का कुछ केमिकल इफेक्ट्स होता है कि मतलब सॉल्यूशन का कलर बदलाव हो जाना, उसमें जो इलेक्ट्रोड से उसमें मेटल का डिपोजिट होना। यहाँ पे और एक टेस्टिंग है, पोटैटो में टेस्टिंग किया गया है टेस्टर को कि पोटैटो में जो मतलब वाटर है उसमें क्या पास होता है क्या नहीं, ये हम लोग नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग चले आते हैं। अभी यू नो दैट ए ब्रैंड न्यू साइकिल है शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स हाइवर, अच्छा आप जानते हैं कि एक नया अगर चकचकी साइकिल जब नया अगर शोरूम में रहता है या फिर जब कोई बंदा अगर खरीद के लाता है तो उसका जो हैंडल बार रहता है बहुत शाइनी रहता है, चकमक दिखाई देता है, और उसका रिम जो होता है वो भी बहुत शाइनी दिखाई देता है। लेकिन ये हाइवर इफ दिस आर एक्सीडेंटली रिस्क है, अगर इन सब अगर एक्सीडेंटली कहीं पर अगर खरोच लग गया, अगर स्क्रैच हो गया, शाइनी कोटिंग जो है वो निकल जाता है
रिवीलिंग एंड नॉट शाइनी सर्फेस होती है, उसके नीचे जो सर्फेस दिखाई देता है वो शाइनी नहीं रहता है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वोमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स, आप ये देखे होंगे कि वोमेन्स ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं अलंकार व्हिच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, दिखते हैं जैसे गोल्ड से बना है। हाउएवर विथ रिपीटेड यूज, अगर ये ज्यादातर अगर बार बार यूज करेंगे तो क्या हो जाता है कि वो गोल्ड कोटिंग वेयर ऑफ हो जाता है, चला जाता है। रिवीलिंग सिल्वर, उसके नीचे जो जो भी मटेरियल से बना हो, सिल्वर या फिर और कुछ मेटेरियल से बना हो, वो दिखाई देता है। इन बोथ दिस केसेस, इन दोनों केसेस में मेटल हैज बीन कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, एक मेटल के ऊपर और एक मेटल का कोटिंग दिया जाता है। डू यू वंडर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपोजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर, मतलब आप विस्मित हो सकते हैं कैसे एक वन मेटल का लेयर और एक मेटल के ऊपर डिपोजिट किया जाता है। वेल अच्छा, let us try doing it ourselves, चलिए हम लोग ये खुद करते हैं। Activity 14.7 में क्या बताया, we will need copper sulfate and two copper plates of size around, हम लोगों को copper sulfate and two copper plates चाहिए size जैसे 10 cm 4 cm का, 250 ml of distilled water चाहिए एक clean और dry beaker में, dissolve 2 spoonfuls of copper sulfate इसमें हम लोग dissolve कर देंगे, एड ए फ्यू ड्रॉप्स डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हम लोग क्या करेंगे कुछ फ्यू ड्रॉप्स डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसको और कंडक्टिंग बनाने के लिए। क्लीन कॉपर प्लेट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको अच्छा से सैंड पेपर से यूज करना है, मतलब साफ करना है। नाउ रिंस देम विथ वाटर, अगर इसको थोड़ा पानी से धो लेना है एंड ड्राई देम, उसको सुखा लेना है। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी का टर्मिनल से उसको कनेक्ट करना है एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसमें इमर्स कर देना है फिगर जैसा। अलाउ द करंट टू पास थ्रू अबाउट 15 मिनट से हम लोग अलाउ करेंगे कि उसमें करंट से पास हो। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स, अभी क्या कर देंगे इलेक्ट्रोड्स को रिमूव कर देते हैं सॉल्यूशन से एंड लुक एट देम केयरफुली, और अच्छे से इसको गौर से देखते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ देम, कुछ क्या आपको डिफरेंस मिलता है दोनों में से किसी में भी? डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट, किसी आपको मिला कि किसी प्रकार की कोटिंग? What color is the coating? Coating का color क्या है? Now note down the terminal of the battery. बैटरी का टर्मिनल को नोट डाउन कीजिए। With which this electrode, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड से वो कनेक्ट है? When electric current is passed through the copper sulfate, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन होके, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर और सल्फेट में। The free copper gets drawn to the electrode connect to the negative terminal. Free copper जो क्या होगा, जो free हो गया अभी copper sulfate से, वो क्या होगा कि drawn to the electrode connect to the negative terminal. बैटरी का negative terminal से जो electrode connect है उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें deposit होगा, उसके सामने जाएगा और deposit होगा। But what about the loss of copper from the solution? लेकिन ये क्या होगा, solution जो से जो copper loss हो गया उसका क्या होगा? From the other electrode, और electrode से एक कॉपर प्लेट एंड कॉपर प्लेट जो एक और एक इलेक्ट्रोड जो है कॉपर प्लेट ही तो है, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजोल्व इन दिस समय, सेम अमाउंट जितना लॉस किया सेम अमाउंट उसी से क्या होगा कि सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड, इस ऐसे करके कॉपर जो भी लॉस हुआ वो क्या होगा कि रिस्टोर्ड हो जाएगा एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, और प्रोसेस कंटिन्यू होगा ऐसे ही करके प्रोसेस कंटिन्यू होगा। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, इसका मतलब है कि कॉपर क्या करता है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होता है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? एक जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है डिपोजिट करने का, जमा करने का एक लेयर किसी भी डिजायर्ड मेटल का लेयर को और एक मेटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो क्या है मोस्ट कॉमन, बहुत सारा साधारण एक एप्लीकेशन से बहुत यूज किया जाता है इसको, मतलब इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट, यही क्या है कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत यूजफुल प्रोसेस है। इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल, डिफरेंट मेटल के ऊपर अगर एक पतला लेयर वाला अगर किसी भी मेटल का कोटिंग करना हो तो इसको यूज किया जाता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी, अच्छा मेटल जो भी डिपोजिटेड किया जाता है और लेयर वो उसका कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी रहता है।
व्हिच इज द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो भी मेटल लेता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसाइकिल हैंडलबार्स, व्हील रिम्स. अच्छा, हम लोग जो जैसे देखते हैं कि कार पार्ट्स में, कुछ कुछ गाड़ी की पार्ट्स में, जैसे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा गाड़ियों की गार्ड में जो लगाया रहता है, आगे पीछे लगाया रहता है, बहुत सारा शाइनी देता है. पहले नए नए में देखिएगा, बहुत सारा शाइनी देता है. जैसे बाइसाइकिल का ऐसे बोले रिम वाला हैंडल बार, वो बहुत शाइनी देता है पहले. उसके बाद बाथरूम वाथरूम में हम लोग जो टैप यूज़ करते हैं, वो भी बहुत शाइनी देता है. उसके बाद गैस चूल्हा में, वो चूल्हा जो बनता है स्टोव, वो भी बहुत शाइनी देता है. सभी क्या होता है कि उसमें क्रोमियम का प्लेटिंग दिया रहता है. क्रोमियम इज ए शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम का शाइनी अपीयरेंस रहता है. इट डज नॉट कोरोड, वो कोरोड नहीं होता. इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, वो स्क्रैचेस को रेजिस्ट करता. हाउएवर क्रोमियम भी एक्सपेंसिव, लेकिन क्रोमियम क्या है, बहुत उसका बहुत एक्सपेंस है, उस मतलब वो बहुत दामी है. एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, और ये पॉसिबल नहीं है कि, और मतलब इकोनॉमी नहीं है, मतलब ये अगर पूरा ऑब्जेक्ट अगर क्रोमियम से बनाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा. कोई खरीदा इतना पैसे का कौन खरीदेगा, दो चार गिने चिने लोग ही खरीदेंगे. सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटेरियल, इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग चीपर मेटेरियल से बना देते हैं और उसके एक क्रोमियम का कोटिंग दे देते हैं उसके ऊपर. इट इज डिपोजिटेड. ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटेरियल्स. ज्वेलरी मेकर क्या करते हैं कि लेस एक्सपेंसिव मटेरियल से वो बना देते हैं गहना, और उसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड का लेप दे देते हैं. दिस ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर, यूज एंड ऑर्नामेंट्स क्या होता है कि दिखने में सिल्वर और गोल्ड जैसा लग जाता है, बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, जो लेकिन वो बहुत कम दाम का होता है. ठीक है ना. टीन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड, टीन का कैन जो होता है कि हम लोग फूड को स्टोरिंग करने के लिए यूज होता है, आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑनटू आयरन. वो कैसे बनता है, आयरन के ऊपर टीन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है. टीन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, टीन क्या है कि आयरन से मोस्ट मतलब लेस रिएक्टिव होता है. आयरन ज़्यादातर रिएक्टिव होता है किससे, टीन से. दस फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट हुआ, इसीलिए फूड आयरन के संस्पर्श में नहीं आता है एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉल, और इसीलिए मतलब और स्पॉइल्ड होने से रुकता है. और अगर आयरन का चीज में अगर हम लोग कुछ अगर स्टोर करेंगे तो वो जल्दी जल्दी स्पॉइल्ड हो जाएगा. टीन के संस्पर्श में क्यों रखते हैं, क्योंकि टीन इतना रिएक्टिव नहीं है. आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स,